बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो लॉकडाउन है, हमारे पास कोई और मसरूफियत नहीं है, बस ये मुख्तलिफ शॉपों पर घूम रहे हैं और व्लॉग बना रहे हैं। सब कुछ बंद है, शॉपिंग सेंटर बंद है, क्लब्स बंद है, सिर्फ पार्क खुले हैं, लेकिन उधर बारिश होती है। और ये बड़े जो स्टोर्स हैं, जिस तरह B&Q हो गया या टेस्को और आजदा और ये वगैरह, ये खुला है। ये देखिए, कितने खूबसूरत है। माशाल्लाह, इसे बिल्कुल ओरिजिनल की तरह लग रहा है। इधर ज़्यादातर रंग नहीं होता, बस नीचे वो लगाते हैं और उस दीवारों पे एक पेपर लगाते हैं, डेढ़ दो चार के 10 साल तक चल जाता है। ये सारा फ्लोरिंग का सामान है जो लकड़ी फ्लोर पे लगाते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए मेरे ख्याल में इधर इस तरह वो नहीं करते ज़्यादातर। हाँ, ये है, ये मॉडल किचन वगैरह बनाने में जो चीज़ पसंद है तो इधर से बंदा पसंद करता है कि क्या लगाता है इसमें। हाँ, ये मॉडर्न किचन है। ये इस पर बंदा पसंद करते हैं कौन सी अलमारी चाहिए, किस कलर की, ये सारे डिज़ाइन इनके लगे हैं। फिर ये एक मॉडल का बना हुआ है, ये वो है खूबसूरत किचन सिंक्स है। हाँ, ये वाला वो मैं बात करता उसकी दागा से तोड़ दे बंद में। ये सिंक मिक्सर है, वो टाइल्स है, इधर ये टाइल्स वगैरह हमारे मुल्कों से ज़्यादा महंगे होते हैं उधर, तो क्योंकि उधर पैदा होता है वो मार्बल भी होता है और सरामिक का भी इतना नहीं, लेकिन इस मुल्क में लेदर और टाइल मतलब मार्बल बहुत ज़्यादा महंगे हैं। डिज़ाइन है ये ज़्यादातर इटालियन है, लेकिन अब तक वो चाइना का शुरू हुआ है, तो हर दूसरा चीज़ इधर भी चाइना का है। ये बाथरूम के मिक्सर्स है, ऐसे मतलब हर चीज़ जो है ना ज़रूरत ज़िंदगी का इसमें मिल जाता है। इधर तो फिजिकली कोई चीज़ नहीं मिल रहा आजकल, वो बोलते हैं कि जो चीज़ आपको चाहिए तो आपको बुक दिखाते हैं और उसमें तेरा पसंद करते ऑर्डर करते हैं और 4 वीक में आ जाते हैं। अब देखते हैं करिए, ये तो ये मेरा पसंदीदा है, बिल्कुल सिंपल स्टाइल है, खूबसूरत तरीके नहीं। ये लेकिन बहुत छोटे हैं। इधर आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, शावर ट्रेस वगैरह। आपको सरकार जो है ना वो इजाज़त नहीं वैसी चीज़ बनाने की, इस तरह कोई मुकम्मल चीज़ लेना है तो होता है। ये जिस तरह ये शावर है,
कि मुकम्मल बंद है, क्योंकि इधर जो है ना फिर डंप आ जाता है, इधर सर्दी जगह है, इसका मुख्तलिफ है। हाँ, ये इससे बड़ा है, ये है। इसमें या अपनी जगह के हिसाब से जैसे ये इससे भी खूबसूरत है, ये सबसे अच्छा मेरे ख्याल में ये, क्योंकि थोड़ा बड़ा है और बंदा इससे और इसके अलावा जो है ना वो दूसरे हैं, और जब जगह ना हो तो फिर बंदा इस तरह कोने में ही बना सकते हैं। इधर गुसलखाना ये किधर भी बना, कहीं भी बना सकते हैं। ज़्यादातर अक्सर कभी कभी शॉवर इस तरह जो है ना वो बेडरूम में भी होते हैं। और ये हैंडल्स हैं जो छोटी छोटी अलमारी वगैरह मतलब किचन वगैरह में होती, तो उसको जो लोग लगाते हैं इधर से। ये हमारे उस उधर की तरह नहीं है कि पूरा सेट मिल जाते, इधर आपको एक भी चीज़ चाहिए जो भी चीज़ चाहिए इधर आके वो आप खरीद सकते हैं। क्योंकि हम तो उधर मुल्क में जो हमारे पुराने ज़माने में जो घर बना था वो 1952 में बना था, और तो उस ज़माने के मेरे ख्याल में पर्दे भी उस ज़माने के किसी ने बदलाए नहीं है। दूसरा जो हुजरे में वो जगह बनी थी जब क्वीन एलिजाबेथ आ रही थी स्वात, तो उसके लिए एक जगह बनाई थी, उसको हम उधर वैसे उस ज़माने में दूसरे छत पे था तो उसको बंगला बोलते थे। बंगला तो आजकल पता नहीं हर बंदे का है, लेकिन उस ज़माने 1952 में और 60-61 में बहुत कम लोग हुआ करते, तो उसको बंगला बोलते थे। तो उसकी भी हैंडल ज़्यादातर और वो चीज़ें जो है ना वो इधर इंग्लैंड की है, जो इधर आके मैं देख लेता हूँ ना वही डिज़ाइन है, लेकिन वो किसी ने बदला नहीं है। लेकिन इस मुल्क में तकरीबन 5-6 साल में अक्सर ये चीज़ें लोग बदलाते हैं। ये वॉशरूम के हैं वो तुलिया वगैरह डालने के लिए। हाँ, ये कमोड्स हैं, ज़्यादातर वैरायटी जो है ना आजकल जो है ना ऑनलाइन मिल रहा है, तो ये बोलते हैं ऑर्डर करो हम वो डिस्प्ले पे नहीं है। ये फायर प्लेस है जिसको हम अंगीठियाँ बोलते हैं, तो जो आप देख रहे हैं ये आग नहीं है, ये वैसे नीचे हीटर है और वो है डिज़ाइन बनाए हुए इस तरह जो आग की तरह लग रहा है, वरना ये गर्म शर्म नहीं है, ये वैसे बल्ब जो है ना उसकी तरह है। इसमें वो भी है, इसको देख के वैसे बंदा बोलता है कि आग लगी हुई है। हाँ, और उससे वो जो है ना इसमें ये नीचे वैसे बल्ब है। वो भी है और एक वो है। हाँ, ये मुझे पसंद है, ये ज़रा अच्छे डिज़ाइन का है। इसमें फिर ये छोटी भी है, ये तो मेरे ख्याल में आजकल उसमें पाकिस्तान में भी मिल रहे हैं। ये देखिए, हाँ वैसे तासुर देते हैं कि क्योंकि इधर तो सेंट्रल हीटिंग होता है, तो वैसे हीटिंग लगाया बंदा सामने ये हो तो बिल्कुल इस तरह लगेगा कि अंगीठी में आग जल रही है। हम दोबारा वो उस पर आ गए। हाँ, ये वैसे छोटे छोटे फिर वो जो है ना यूनिट्स बने हैं उसके लिए वॉश बेसन है। ये ज़्यादातर यूज जो होते हैं ये जो शॉप्स वगैरह होते हैं उसमें छोटी सी जगह हो, ये उनके लिए छोटे छोटे जिस तरह ये है, ये तो बिल्कुल इस तरह है जिस तरह डेंटिस्ट का वो हो क्लिनिक हो और उसमें बना वो हो। और ये तो वैसे उसके फैमिली के लिए है, लेकिन दो है, तो एक बच्चों का और एक वालिद मोहतरम का।
और ये बाथरूम बाथरूम डिज़ाइन है, जिससे मेरा शावर लगा हो तो उस पर आराम से, मतलब अगर पाकिस्तान में ये चीज़ शुरू हो जाए ना तो बहुत बड़े मसले हल हो सकते हैं। उधर जो वो और चीज़ें लगाने की जरूरत नहीं, ये दरी खरीदो लगाओ, सात सिंक लगाओ और ये लगाओ, बात ख़त्म। उधर तो लगाते 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 मिस्री इंसान का बेड़ा गर्क कर देता है। और ये आउटडोर बल्ब्स हैं, इनमें ज़्यादातर सेंसर बल्ब भी हैं, लेकिन उधर ये भी मिल जाता है चाइनीज़ वगैरह, इधर से मैं लेके गया था लेकिन खाम खरीद इतना ख़र्चा उस पर आया था। उधर पाकिस्तान में ये हर चीज़ अभी मिल रही है और इससे अच्छी। ये वुड वुड फ्लोरिंग है इस ज़मीन पर जो लगाते हैं। आजकल वॉल टू वॉल कारपेट बहुत कम लोग लगाते हैं, क्योंकि उससे डॉक्टर्स बोलते हैं कि उससे अस्थमा हो जाता है, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग ये लकड़ी लगाते हैं। और ये इसकी सफाई भी वो बोलते हैं आसान होती है, या टाइल्स लगाते हैं। ये अब हीटिंग के उसमें ये जो गुसलखाने वगैरह में लगाते हैं वो इलेक्ट्रिक हैं, और ये जो है ना ये गैस वाले हैं, तो इसको मतलब ये पानी वाले हैं, तो जैसे बॉयलर से पानी आता है इसमें सर्कुलेट करता है, इसको जैसे फिर ये हीटिंग इस पर होता है, वरना वैसे हीटर जो है वो ये हैं, ये वैसे नॉर्मल हीटर है। ये तेल वाले हैं, इसके अंदर तेल होता है लेकिन ये बिजली से गर्म होता है, और बैटरी ज़्यादातर वो तेल गर्म होता है तो वो चलते हैं इस तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस शॉप से तो हम बखैर खैरियत निकल आए, वो दो चार चीज़ का ऑर्डर भी हो गया, और अभी दूसरे भी जाते, लेकिन उधर आपको मैं कतार अगर दिखाऊं तो तकरीबन 1 माइल कतार है उधर। हम अभी दूसरी जगह सब कुछ ही देखे, सब कुछ बंद है, सिर्फ इसमें पूरे शॉपिंग सेंटर में देखिए पूरी शॉपिंग क्या नाम है रिटेल में दे देख सारे बंद है, सब कुछ बंद है उधर तक, सिर्फ ये एक और दूसरे तक ये एक गहरा वो स्मिथ खुला हुआ है, क्योंकि टायो की शॉप है वो क्रिसमस नज़दीक है इस वजह से, और ये पाउंड शॉप खुला है, ये सबसे सस्ता शॉप है जिसमें 1 पाउंड का हर चीज़ मिल जाता है, वो खुला है। तो चलो इसको थोड़ा सा सामान ले लेते हैं। तो मुझे टूथपेस्ट चाहिए जैसे, मेरे ख्याल में बिन बैग्स, इधर मुझे एक बिन बैग भी चाहिए, अभी क्रिसमस का सामान शुरू हो गया। हाँ अभी बस आखिरी दो रह गई, बैटरी चाहिए, हाँ तो उसका वो पूरा ले लेंगे। तो इसमें सारे होंगे। ओके जी, सौदा सर्फ ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जस पूछ रहा हूँ। ओके, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हम सबको खुशखुर्रम और अपनी हिफाजत में रखे, आमीन।